नमस्कार, सीएमई पटना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और अभी हम लोग कवर कर रहे हैं सीएमई के मैगजीन से वार्षिकी, जो करंट अफेयर है उसे। तो आज हम लोग कवर करेंगे खेलकूद से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे कि सवाल बनने के बहुत चांसेस हैं। और इसमें हम लोग कवर करेंगे टोक्यो ओलंपिक, टोक्यो पैरालंपिक, और उसके बाद शीतकालीन ओलंपिक, जो 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 हुआ था उसे, और फिर 22वां राष्ट्रमंडल को, और संभव हो तो 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 जो है उसे भी कवर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं टोक्यो ओलंपिक को। तो इसका आयोजन हुआ था, तो ये टोक्यो ओलंपिक 2020 था, जिसका आयोजन 2021 में हुआ था, और ये 32वां संस्करण था। और आयोजन कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में। इसका शुभंकर था मिराई तोवा। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये आप लोगों ने देखा भी होगा, 67th बीपीएससी में क्वेश्चन बना है ओलंपिक से, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग शुभंकर देख रहे थे, शुभंकर था मिराई तोवा। आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाई इमोशन। और भारत का जो थीम की था इसमें ओलंपिक में, उसमें भारत का थीम था लक्ष्य है तेरे सामने। और उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक में थी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, जो हॉकी से संबंधित थे। ठीक है, और आगे हैं समापन के ध्वजवाहक। ये समापन के ध्वजवाहक थे बजरंग पुनिया, पहलवान। और भारत का स्थान इसमें 48वां था। और पदक में 7 स्वर्ण पदक जीता है भारत ने, सॉरी माफी चाहती हूँ, 7 स्वर्ण नहीं, एक मिनट, 7 स्वर्ण पदक नहीं है, 1 स्वर्ण पदक है। ठीक है, कुल पदक 7 जीते हैं, जिसमें स्वर्ण 1 है, स्वर्ण 1 जो नीरज चोपड़ा जी ने जीता है भाला फेंक में एकमात्र, और रजत 2 थे, और कांस्य की संख्या कितनी थी? 4। ठीक है, और भारत के स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? तो एक ही विजेता है, एकमात्र नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है। कितना मीटर फेंका है इन्होंने भाला? तो 87.58 मीटर। हो सकता है ये प्रश्न पूछा जा सके कि भाला जो फेंका गया था नीरज चोपड़ा जी के द्वारा, वो उसकी दूरी कितनी थी? तो आंसर हो जाएगा 87.58 मीटर। आगे चलते हैं, भारत के रजत पदक विजेता जो है उनके नाम, तो मीराबाई चानू, भारोत्तोलन में इन्होंने 49 kg के भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है, और रवि कुमार दाहिया, इन्होंने कुश्ती में जीता है। ठीक है, और ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जो आया था वो यही मीराबाई चानू जी का मेडल था, सिल्वर मेडल था ये। आगे चलते हैं, भारत के कांस्य पदक विजेता, तो कांस्य पदक विजेता में है पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया कुश्ती, ये 65 kg में इन्होंने जीता है, और लवलीना बोरगोहेन ये मुक्केबाजी में जीती हैं कांस्य पदक, और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है, जिसके कप्तान कौन थे? मनप्रीत सिंह, और यही ध्वजवाहक थे। ठीक है, और उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे उद्घाटन समारोह में? तो ये मनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन जो हैं, और मैरी कॉम। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, प्रथम 3 स्थान पे कौन कौन से देश रहे ये भी देख लेते हैं फैक्ट हम लोग। तो पहले स्थान पे था अमेरिका, ठीक है, इसमें कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 39 स्वर्ण, रजत 41, कांस्य 33। ठीक है, कुल कितने जीत लिए इसने अमेरिका ने? 113। और दूसरे स्थान पे है चीन, चीन ने कुल कितने पदक जीते हैं? 88। और जापान तीसरे स्थान पे था, और जापान ने 58 पदक जीते हैं। और भारत का स्थान था 48वां, यहाँ पे हम लोगों ने देखा है भारत का स्थान 48वां था। ठीक है, कुल कितने पदक के साथ? 7 पदक के साथ, 1 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य के साथ। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग अन्य में देखते हैं, अन्य जो फैक्ट है उसको, कि अदिति अशोक ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी। ठीक है, तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है? तो आंसर हो जाएगा अदिति अशोक। यहां मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, उसके बाद फिर से देखते हैं इस फैक्ट को। तो यहाँ पे पहला फैक्ट हमने देखा कि अदिति अशोक बनी है ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर। ठीक है, और भवानी देवी ये क्या है, क्यों प्रसिद्ध है ये? तो क्वालिफाई करने वाली पहली महिला फेंसर। ठीक है, और आगे हैं दीपक काबरा, तो दीपक काबरा ओलंपिक में पहले भारतीय जिम्नास्टिक जज बने हैं। कौन? दीपक काबरा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है सारे। और नेक्स्ट है साजन प्रकाश, तो क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बने हैं? साजन प्रकाश। ठीक है, और आगे देखते हैं अन्य जो फैक्ट हैं, तो इसमें फैक्ट है कि लॉरेल हबर्ड, ठीक है, लॉरेल हबर्ड ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट है।
यहाँ से प्रश्न फ्रेम किए जा सकते हैं कि ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है, तो आंसर हो जाएगा लॉरेल हवर्ड। और नेक्स्ट है कि एम्मा मैक कौन सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, ठीक है, कितने जीते हैं, 7। ये ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक हैं, ठीक है, कौन, एम्मा मैक कौन। नेक्स्ट है कालेब ड्रेसल, इन्होंने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीता है, 5। ये अमेरिकी पुरुष हैं, और सर्वाधिक स्वर्ण पदक जो जीती हैं एम्मा मैक कौन, वो ऑस्ट्रेलियाई महिला तैराक है, और पुरुष में किन्होंने जीता है, कालेब ड्रेसल ने, ये अमेरिकी पुरुष तैराक है। दोनों तैराकी में आए हैं, एक ने 7 जीता है महिला ने, और 5 पदक जीता है एक व्यक्ति ने, अमेरिकी पुरुष ने, ठीक है। और पुरुष का नाम क्या है, अमेरिकी पुरुष का कालेब ड्रेसल, और जो महिला तैराक है उनका नाम है एम्मा मैक कौन। आगे हम लोग चलते हैं, सबसे कम उम्र की चैंपियन कौन है, मोमोजी निशिया, कौन, मोमोजी निशिया, ये जापान की हैं और स्केटबोर्डिंग में ये चैंपियन रही, ठीक है। नेक्स्ट है निर्था कुमानन ओलंपिक में शामिल होने वाली पहली महिला नौकायन है, ठीक है, नौका में नौकायन जो करने वाली हैं वो पहली निर्था कुमानन है। और आगे है कोविड के कारणों से उत्तर कोरिया ओलंपिक से हटने वाला पहला देश बन गया, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, ये टोक्यो ओलंपिक से रिलेटेड फैक्ट्स को हम लोगों ने देख लिया। आगे हम लोग चलते हैं टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड फैक्ट्स पे, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। अब चलते हैं टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड फैक्ट्स पे, यहाँ पे है टोक्यो पैरालंपिक 2021, ठीक है, 16वां संस्करण था, ये आयोजित तो होना 2020 में था लेकिन कोविड कारणों से इसे 2021 में आयोजित किया मतलब संभव हो पाया, ठीक है। कहाँ आयोजित हुआ, ये टोक्यो जापान में आयोजित हुआ। इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर था सोमाइटी, ठीक है, और इसका आदर्श वाक्य था यूनाइटेड बाय इमोशन, सेम था, और भारत का थीम था कर दे कमाल तू। और उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, यहाँ थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ मैं, उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो ये थे टेकचंद जी थे, और क्या है इनका स्पोर्ट्स, तो भाला फेंक, ठीक है। और समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थी, तो ये अवनी लेखरा है, ठीक है, अवनी लेखरा, ये निशानेबाज हैं। अब हम लोग देखते हैं भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान टोक्यो पैरालंपिक में 24वां है, ठीक है, यहाँ कितना था ओलंपिक में 48वां था, और यहाँ पैरालंपिक में 24वां है, ठीक है। और देखते हैं कि कुल पदक कितने जीते हैं भारत ने, तो 19, यहाँ से प्रश्न पूछा गया बीपीएससी द्वारा पिछली बार ही, जो 8 मई को पेपर हुआ था उसमें, आई गेस। और आगे देखते हैं कि भारत का स्थान 24वां था, कुल जो पदक जीते गए हैं वो 19 हैं, जिसमें स्वर्ण 5 है, रजत 8 है और कांस्य 6 है, ठीक है। अब है भारत के स्वर्ण पदक, तो कितने स्वर्ण पदक जीते भारत ने, 5 जीता है, इसमें कौन कौन, तो ये प्रमोद भगत हैं, बिहार से रिलेटेड संबंध रखते हैं ये, और बैडमिंटन से संबंधित हैं। और अवनी लेखरा जी ने जीता है स्वर्ण पदक, ये राजस्थान की हैं, 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और मनीष नरवाल ने जीता है, ये हरियाणा से हैं, 50 मीटर पिस्टल में हैं। और सुमित अंतिल जी ने जीता है, ये भी हरियाणा से हैं और इन्होंने भाला फेंक में जीता है। और नेक्स्ट हैं कृष्णा नागर, ये राजस्थान से संबंधित हैं और बैडमिंटन में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अब रजत पदक हम लोग देखते हैं, तो रजत पदक में कुल कितने पदक जीते हैं भारत ने, 8 पदक जीते हैं, ठीक है, यहाँ पे 8 पदक जीते हैं, यहाँ पे देख लिया हमने। अब देखते हैं कौन कौन जीते हैं इसमें, तो ये हैं भाविना पटेल, देवेंद्र झाझरिया, प्रवीण कुमार, योगेश कथुनिया, निषाद कुमार, मरियप्पन थंगावल्लू और सुहास यतिराज, इन्होंने बैडमिंटन में जीता है, और सिंहराज अद्याना, ठीक है। और नेक्स्ट हम लोग चलते हैं भारत के कांस्य पदक, तो ये सिंहराज अद्याना है, फिर शरद कुमार बिहार से हैं, इन्होंने जीता है ऊंची कूद में, और अवनी लेखरा जी ने जीता है कांस्य पदक, अवनी लेखरा जी ने स्वर्ण पदक भी जीता है, कितने में, 10 मीटर एयर राइफल में, और कांस्य पदक भी जीता है इन्होंने, और हरविंदर सिंह ने भी जीता है कांस्य पदक, फिर आगे जो है वह सुंदर सिंह और गुर्जर मनोहर सरकार, ठीक है। तो ये कितने कांस्य पदक जीते भारत ने, 6 कांस्य पदक, ठीक है, हमें याद रखना है 5 स्वर्ण 8 रजत 6 कांस्य। अब आगे हम लोग चलते हैं कि प्रथम तीन स्थान पे कौन कौन से देश हैं, तो प्रथम तीन स्थान पे चीन कुल 207 पदक, दूसरे पे है ग्रेट ब्रिटेन 124 पदक, तीसरे पे है अमेरिका 104 पदक, ठीक है। आगे है 19 वर्षीय, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसमें देखते हैं, 19 वर्षीय भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पलक कोहली टोक्यो पैरालंपिक में भाग लेने वाली सबसे युवा खिलाड़ी थी। और नेक्स्ट है अवनी लेखरा पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई, ठीक है, अवनी लेखरा। और सुहास यतिराज,
ये रजत पदक जीता इन्होंने बैडमिंटन में, और पैरालंपिक खेल में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी बने, कौन? सुहास यतिराज। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने टोक्यो पैरालंपिक से रिलेटेड फैक्ट्स को देखा है, अब आगे चलते हैं। 24वां शीतकालीन जो सत्र था ओलंपिक का, उसका आयोजन 2022 में ही हुआ था, उससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। तो देखते हैं कि आयोजन कहाँ हुआ था, बीजिंग चीन में। ठीक है, दो नए देश पहली बार इसमें आए, कौन कौन? सऊदी अरब और हैती। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है कि दो नए देश जिन्होंने 24वें शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया उनके नाम क्या है, तो आंसर हो जाएगा सऊदी अरब और हैती। इसका शुभंकर था विंग ड्वेन ड्वेन। ठीक है, विंग ड्वेन ड्वेन। और उसका क्या था, पैरालंपिक का क्या था, पैरालंपिक का शुभंकर सोमाइटी था, और टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर मिराई तोवा था। ठीक है, आदर्श वाक्य क्या था ये शीतकालीन ओलंपिक का, तो ये था टुगेदर फॉर शेयर फ्यूचर। ठीक है, और भारत का स्थान इसमें है कि भारत ने कोई भी पदक नहीं जीता, और भारत की ओर से भाग लेने वाले खिलाड़ी थे मोहम्मद आरिफ खान, जेएनके के, जम्मू एंड कश्मीर के, और ये किससे रिलेटेड थे, स्कीइंग से। तो नाम इनका पूछा जा सकता है कि भारत की ओर से भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने शीतकालीन ओलंपिक में भाग लिया उनका नाम क्या है, मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, और प्रथम स्थान पे कौन रहा, तो इसमें नॉर्वे रहा, कितने पदक थे, तो 37। ठीक है, दूसरे स्थान पे जर्मनी सेकंड, और चीन थर्ड स्थान पे था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। 22वां राष्ट्रमंडल खेल का भी आयोजन हुआ था 2022 में, उससे संबंधित फैक्ट हम लोग देखते हैं। तो इसमें है यहाँ 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022, आयोजन कहाँ हुआ, तो आयोजन हुआ था बर्मिंघम इंग्लैंड में, कब से कब तक, 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक। ठीक है, और उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थी, तो ये पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, ये वही मनप्रीत सिंह है हॉकी के कैप्टन। और समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन बने, तो ये शरत कमल व निखत जरीन। ठीक है, और भारतीय दल से कितने खिलाड़ी गए थे, 215 खिलाड़ी गए थे भारतीय दल से, और भारत का स्थान चौथा आया था, और कुल पदक कितना जीता भारत ने, 61। ठीक है, 61, जिसमें से 22 स्वर्ण है, 16 रजत है, और 23 कांस्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत की पदक तालिका में कुश्ती 12 पदक का सर्वाधिक योगदान रहा, तो कुल 61 पदक जीता है भारत ने, जिसमें से 12 पदक तो किस खेल में आ गया है, ये कुश्ती में आ चुका है। ठीक है, कुश्ती में 12 पदक आ गए, और कुल पदक थे 61, स्वर्ण जिसमें से 16 था रजत, स्वर्ण जिसमें से 22 था रजत, जिसमें 16 था, और 23 जिसमें से कांस्य जीता था। आगे नेक्स्ट है कि संकेत सारगर ने भारोत्तोलन 55 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए प्रथम पदक जीता, कि इन्होंने संकेत सारगर ने, और प्रथम स्वर्ण पदक इन्होंने जीता, ये मीराबाई चानू जी थी। और प्रथम स्थान पे कौन है राष्ट्रमंडल खेलों में, तो ये ऑस्ट्रेलिया था, कुल कितने पदक, 178 पदक के साथ। ठीक है, और भारत का स्थान कौन सा था, चतुर्थ था, कुल 61 पदों के साथ। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही छाट के बनाए गए हैं, कि जहां से क्वेश्चन पूछे जाने, मतलब संभावना है कि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आप लोगों को ये बार बार देखना चाहिए, रिवीजन के तौर पे आप लोग वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, जो नेक्स्ट फैक्ट है कि 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित है, और ये कौन सा था, ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल था, और इसका कहाँ आयोजन हो रहा था, बर्मिंघम इंग्लैंड में। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल खेल से इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 से रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं, कौन सा, 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ठीक है, तो इसमें है कि आयोजन यूजीन में हुआ था, ओरेगन प्रांत यूएसए में। ठीक है, प्रथम स्थान पे यूएसए रहा, भारत का स्थान इसमें 33वां आया, एकमात्र रजत पदक नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में जीता, ये डिस्कस थ्रो यहाँ पे लिखा जा चुका है, तो ये गलत है, भाला फेंक होगा। ठीक है, भाला फेंक, और भारत का स्थान कौन सा था, 33वां। और आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप 2022 चोंगवोन दक्षिण कोरिया, भारत कुल 8 पदक, और जिसमें कौन कौन, 3 स्वर्ण 4 रजत और 1 कांस्य के साथ प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, कहाँ आयोजन हुआ था आईएसएसएफ शूटिंग विश्व कप का, तो ये चोंगवोन दक्षिण कोरिया में हुआ था, और भारत प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, कितने पदक के साथ, कुल 8 पदक के साथ। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 22वां राष्ट्रमंडल खेल, 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल, और उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने, उसके बाद उससे पहले हमने देखा था टोक्यो ओलंपिक 2020 जिसका आयोजन 2021 में हुआ, और टोक्यो पैरालंपिक 2020। तो इसमें हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो खेल है उससे रिलेटेड फैक्ट्स को कवर किया है। बाकी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगी आप सभी के साथ।
जिससे कि प्रश्न बनने की संभावना बीपीएससी में तथा बीपीएससी से जैसे अन्य एग्जामों में भी होगी। तो अभी तक के लिए तो इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।